मैं जो है ना वो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट ट्रेंड्स और कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले हम मार्केट के ट्रेंड्स को देखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली मार्केट में ना चार तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ट्रेंड होता क्या है? ठीक है, ट्रेंड बेसिकली पोजीशन को, डायरेक्शन को, मूवमेंट को, कि मार्केट किस मूवमेंट में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और किस पोजीशन पे खड़ी है, हम इस चीज को ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है? ठीक है, मेरे सामने तो एक ग्राफ है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इस कंडीशन में मुझे तो नहीं पता कि मार्केट असल में नीचे आ रही है या असल में ऊपर जा रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है? ठीक है, तो मैं आपको सीधा सादे लफ्जों में समझा देता हूँ कि जब आप ग्राफ ओपन करके देखते हैं आपको एक चीज नजर आती है कि मार्केट कभी भी यूनि डायरेक्शन में मूव नहीं करती, उसकी कोई एक सीधी डायरेक्शन नहीं है कि उसने एक बिल्कुल एरो की तरह उसने ऊपर की तरफ जाना है या एरो की तरह नीचे की तरफ जाना है। हमेशा मार्केट जिगजैग पैटर्न में मूव करती है। ठीक है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, इस तरह करते करते उसने जो है वो या तो ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ आना है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो होता है अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अप ट्रेंड भी कहते हैं। ऐसा ऐसी मार्केट की मूवमेंट जो बजायर तो ऊपर नीचे हो रही है लेकिन आफ्टर ऑल वो ऊपर की तरफ जा रही है, इस चीज को हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है डाउनवर्ड ट्रेंड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, कि ऐसी मार्केट की मूवमेंट जो बजायर तो ऊपर नीचे हो रही है लेकिन आफ्टर ऑल वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरे नंबर पे हमारे पास रेंजिंग, साइडवे या कंसोलिडेशन वगैरह, ये इसका वैसे जो बेसिक ज्यादा नाम जो इस्तेमाल होता है वो साइडवे ट्रेंड इस्तेमाल होता है। एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे तो हो रही है लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ी है, वो ना तो ऊपर जा रही है आफ्टर ऑल ना नीचे जा रही है, इस चीज को हम कहते हैं साइडवे ट्रेंड। फिर इसके बाद आ जाते हैं वोलेटाइल मार्केट, ऐसी कंडीशन जिसमें मार्केट का कुछ पता नहीं है, अगर जाएगी तो फिर एकदम से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, एक होता है ना जिगजैग पैटर्न में ऊपर ऊपर नीचे जाना, ये सीधा जैसे मैंने एरो वाली एग्जांपल दी, एरो की तरह ये सीधा ऊपर चली जाएगी, एरो की तरह बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएगी, इसको हम कहते हैं वोलेटाइल मार्केट। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है वो बहुत तेजी से मूव कर रही थी जिस वजह से वो तेजी से या तो ऊपर चली गई या तेजी से नीचे चली गई। ठीक है, इस चीज को हम जो है वो वोलेटाइल, यानी कि नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, हमें इसकी डायरेक्शन का पता भी नहीं चलता, अचानक से ये बनती है और अचानक से मार्केट या तो बहुत ऊपर चली जाती है या बहुत नीचे गिर जाती है। ठीक है, इस चीज को जो है वोलेटाइल मार्केट कहते हैं। हाउ टू फाइंड ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड को फाइंड करने का तरीका क्या है? हायर हाईज, हायर लोज, ठीक है, इसका मतलब अप ट्रेंड है। लो लोअर हाईज, लोअर लोज, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब हायर हाईज क्या है, हायर लोज क्या है, ये मैं बता देता हूँ अभी चल के। ये देखें आपके सामने फॉर एग्जाम्पल ग्राफ इस सूरत में मूव कर रहा है। ठीक है, आपने देखा शुरुआत में अगर आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, वहां पे उसने एच का पॉइंट जिसे हम हाई का नाम देते हैं, ठीक है, उसने अपना हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। अब हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, मार्केट ने अपना लो बनाया, यकदम यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, अब की बार जो है वो जो पिछला हाई बनाया था इसने उस हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ चली गई, तो अगले हाई इसने अगला हाई जाके बनाया। अब जो पहले वाला हाई था वो अगले हाई से छोटा है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको कि मार्केट ने पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई की तरफ चली गई, और अब की बार जो हाई बना वो पिछले हाई से बड़ा है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, अब हमें लग रहा है मार्केट नीचे आ रही है, फिर मार्केट ने अपना लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, अब की बार जो इसने हाई बनाया वो पिछले हाई से फिर बड़ा था। ठीक है, फिर इसने लो बनाया, ठीक है, फिर दोबारा हाई बनाया, अब की बार जो हाई था वो पिछले हाई से फिर बड़ा था, इसका मतलब मार्केट हायर हाईज के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, अब जब भी कोई मार्केट में एक हाई बनता है और अगला हाई उससे ऊपर बनता है, ठीक है, या एक लो बनता है अगला लो उससे ऊपर बनता है, तो इस चीज को हम अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि आफ्टर ऑल मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। समझ रहे हैं आप बात को? मुश्किल हो रहा है तो फिर दोबारा समझा देता हूँ। मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे आई,
हमें लगा नीचे आ रही है, लेकिन अब की बार ऊपर गई तो भी पहले वाला जो इसका हायर पॉइंट था उससे मजीद ऊपर चली गई। तो इसका मतलब मार्केट आफ्टर ऑल ऊपर जा रही है। इसी तरह मार्केट अपना हाई बनाती है, लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, ठीक है। अब जो हाई और लो में हमने कैसे पता लगाना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम इनकी पोजिशन को देखेंगे कि जो पहले वाला हाई है वो अगले वाले हाई से नीचे होना चाहिए, ठीक है, या जो पहले वाला लो है वो अगले वाले लो से नीचे होना चाहिए। तो इस चीज को हम कहते हैं मार्केट की अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है आप ये चीज देखें कि मार्केट की हमें डायरेक्शन का पता चला, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें जो भी हाई बनेगा उसे हम हायर हाई कहेंगे और जो भी लो बनेगा उसे हायर लो कहेंगे। समझ आई बात की? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट जिगजैग पैटर्न में मूव कर रही है, हर बार जो हाई बन रहा है वो पिछले हाई से ऊंचा बन रहा है, हर बार जो लो बन रहा है वो पिछले लो से ऊंचा बन रहा है। तो इस चीज को हम हायर हाई या हायर लो कहेंगे। अप ट्रेंड के अंदर जो भी हाई बनेगा या लो बनेगा उसे हम हायर हाई कहेंगे या हायर लो कहेंगे, ठीक है। हायर हाई या हायर लो का मतलब ये है कि अप ट्रेंड के अंदर जो हायर बन रहा है या लोअर बन रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ लफ्जों में समझा दिया, कहीं पर भी समझ आ गई होगी आपको। फिर आ जाते हैं हमारे पास लोअर हाइज और लोअर लोज, यानी कि डाउन ट्रेंड। अब की बार मार्केट ने अपना हाई बनाया, अगली बार वो लो की तरफ गई, फिर दोबारा ऊपर की तरफ आई मार्केट। अब की बार जो इसने हाई बनाया है वो पिछले हाई से नीचे था, ठीक है, फिर दोबारा मार्केट नीचे गई, फिर दोबारा इसने ऊपर की तरफ आई। अब की बार जो इसने हाई बनाया वो पिछले हाई से और नीचे था, ठीक है। इस तरह मार्केट फिर नीचे आई, लो बनाया, फिर ऊपर गई, हाई बनाया, अब की बार जो हाई था वो पिछले हाई से और नीचे था। तो इसका मतलब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट ने अपना हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। मार्केट अप ट्रेंड में भी हाई लो बना रही थी, डाउन ट्रेंड में भी हाई लो बना रही है, लेकिन अब की बार जो हाई है वो पिछले हाई से नीचे है। अप ट्रेंड में क्या था, जो हाई था, जो नया हाई बन रहा था वो पिछले हाई से ऊंचा था, अब वाले में जो हाई बन रहा है वो पिछले हाई से नीचे है। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, और डाउन ट्रेंड के अंदर जो हाई या लो बनते हैं उन्हें हम लोअर हाईज कहते हैं या लोअर लोज कहते हैं, ठीक है। हाई बनेगा तो लोअर हाई कहेंगे, लो बनेगा तो लोअर लो कहेंगे, ठीक है। हायर का मतलब अप ट्रेंड का हाई और लोअर का मतलब, ठीक है, लोअर ट्रेंड का जो है वो हाई या लो, ठीक है। आपको ये जो है वो आप रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो बार बार सुनेंगे तो समझ आ जाएगी, अगर समझ नहीं आ रही तो नहीं तो एंड में क्वेश्चन पूछ लेगा, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। फिर आ गई रेंजिंग, साइडवे कंसोलिडेशन, जिसे हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं। आपने देखा मार्केट हाई भी बना रही है, लो भी बना रही है, हाई भी बना रही है, लो भी बना रही है, लेकिन आफ्टर ऑल हमने जब लाइंस लगा के देखा तो मार्केट असल में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो ना तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है ना ही बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। इस चीज को हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं कि मार्केट जो है वो एक ही लाइन के अंदर जो है मूव कर रही है, और ये वो टाइम होता है जिसके अंदर हमने ट्रेड नहीं लेनी होती, ठीक है। ट्रेंड्स के अंदर मैं आपको एक ना जुमला बताता हूँ, आपको हेल्प करेगा ट्रेड करने में। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड जो है वो आपका दोस्त है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, आपने हायर हाई और हायर लोस को पहचान लिया, तो मार्केट जो है आपने रिकॉग्नाइज कर लिया मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, देन आप बाय की ट्रेड लगाएंगे। बाय का मतलब कि आप मार्केट ऊपर जाने पर आपको फायदा होगा, ये मैंने पिछले वेबिनार्स में बताया कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो आप जब बाय करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो जब एक ट्रेंड ऊपर की तरफ बन रहा है तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बेहतरीन आपका एंट्री पॉइंट है कि आप ट्रेंड को देख के ट्रेड करो कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा जो है वो बाय कर रहा है और मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जब मैं इसके अंदर बाय की ट्रेड लगाऊंगा तो मुझे एब्सोल्युटली प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है, मार्केट अपना हाई लो बना रही है और मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया है, मुझे पता चल गया मार्केट आफ्टर ऑल नीचे की तरफ आ रही है, तो चूंकि डाउनवर्ड ट्रेंड है, ट्रेंड इज माई फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड मेरा दोस्त है, तो मैं सेल की ट्रेड लगाऊंगा। सेल से क्या होगा, मार्केट नीचे जाने पर मुझे फायदा होगा, ठीक है। तो जहां ट्रेंड होगा आपने वहां पर ट्रेड लगानी है, इजी वे है ट्रेड करने का, ठीक है। साइड वे के अंदर हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसमें हमें कुछ पता नहीं है मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कि मार्केट या तो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, हमें रिकॉग्नाइज नहीं होता, हम अच्छे से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इस चीज को हम साइड वे ट्रेंड कहते हैं। इसमें हमें नहीं पता कि मार्केट अचानक से कहीं और चली जाएगी, या तो ऊपर अप ट्रेंड बना देगी या डाउन ट्रेंड बना देगी आगे जाके, तो हमें कंफर्मेशन नहीं होती, इसलिए साइड वे के अंदर हमने ट्रेड्स नहीं करनी।
अब आपको ना ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो एक ही डायग्राम में नजर आ रही होंगी कि मार्केट अपना हाई, मार्केट ने जो है अपना लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ठीक है। हर बार जो हाई था वो पिछले हाई से ऊपर था। हमने दो लाइंस लगाई, ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइंस नजर आ रही है ये बेसिकली इसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है, जो हमें रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जब हम हाईज के ऊपर जितने भी हाई बन रहे हैं उन हाई के ऊपर लाइन लगा लेते हैं, और जितने भी लो बन रहे हैं उनके ऊपर लाइन लगा लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब मार्केट जो है वो हमने फिर दो लाइंस लगाई, हाईज और लोज को मिलाया, तो मार्केट को हमें पता चला कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसे हमने साइड वे का नाम दे दिया। आगे चल के हमने देखा कि मार्केट जो है वो साइड वे को तोड़ा, डाउन की तरफ आई, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। अब की बार जो हाई था वो पिछले हाई से नीचे था। हर बार जो हाई बनता गया वो पिछले हाई से नीचे नीचे बनता गया। हमने ट्रेंड लाइंस लगाई, हाईस को मिलाया, लोस को मिलाया, हमें पता चल गया मार्केट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, तो हमने इसे डाउन ट्रेंड कह दिया, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट में तीन तरह की जो है मूवमेंट्स आपको नजर आएंगी, अप ट्रेंड, साइड वे ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है। वोलेटाइल के अंदर कोई मूवमेंट का अंदाजा नहीं है, कुछ पता नहीं है, गैप अप ओपनिंग भी होती है इसमें जो है वो, मार्केट जब क्लोज है फॉर एग्जाम्पल, अब जुम्मे वाले दिन मार्केट क्लोज हुई, हफ्ता एतवार मार्केट बंद होती है, अब सोमवार को सुबह 4 बजे जो है मार्केट ओपन होगी, तो जुम्मे की रात को 2 बजे जब मार्केट बंद हुई और सोमवार की सुबह 4 बजे जब मार्केट ओपन होगी, बीच में जो 2 दिन का गैप होगा उस गैप में आपको इस तरह नजर आएगा कि मार्केट एक बहुत बड़े गैप के साथ ओपन हुई है, ठीक है। मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई थी, टाइम उसका कब बंद हुआ, एक बड़े गैप के साथ हुई, तो इसे हम जो है ना वो वोलेटाइल मूवमेंट कहते हैं कि हमें नहीं पता होता आगे चल के क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब वीक का एंड चल रहा होता है, फ्राइडे चल रहा होता है, तो उन दिनों हमने ट्रेडों को स्लो करना होता है, उन दिनों हम ट्रेड्स को मिनिमाइज करते हैं, कम से कम करते हैं, ताकि मार्केट अगर बंद भी हो जाती है और हमारी ट्रेडें लगी हुई हैं तो जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो उसकी पता नहीं क्या डायरेक्शन होगी, तो मुझे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने जो आखिरी दिन होता है फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन मार्केट की मूवमेंट बहुत फ्लक्चुएट जो है ना फ्लक्चुएशन आ रही होती है मार्केट के अंदर, कुछ पता नहीं चल रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है वो कंट्रोल करना होता है वीकेंड के ऊपर। बाकी जो दिन है वो आप तसल्ली से ट्रेड करो, अपने एनालिसिस करो, हर चीज करो, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट जो है ना, मैं अपनी जो है वर्टेक्स एपेक्स की ऐप ओपन करता हूँ, वहां पे जो है ना हम जो भी पुराना चार्ट चल रहा था, आज तो मार्केट बंद है, संडे है, तो मार्केट जो है वो सुबह 4 बजे ओपन होगी, उसके बाद आप बाय और सेल की ट्रेड्स लगा पाओगे। काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे कि तो अपना पासवर्ड ही भूल गया। मेरे पास जो है ना ये अकाउंट ओपन हो गया, इस अकाउंट में जो है ना मैं किसी भी चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ, कोई भी चार्ट मेरे सामने चल रहा होगा। अभी इस टाइम जो है मार्केट बंद है, मैं कोई ट्रेड नहीं लगा सकता, इंटरनेट इशू की वजह से ना ये चार्ट आ गए मेरे सामने, ठीक है, ये ओल्ड चार्ट है जो मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। हम इसमें 30 मिनट की बजाय हम अगर इसमें 4 घंटे में आ जाते हैं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जहाँ एक कैंडल जो है 4 घंटे में बन रही है, मेरे सामने जो है वो इसका चार्ट अभी ओपन हो जाएगा। अभी जैसे इसका चार्ट ओपन हुआ, मैं क्या करूँगा, मुझे ना मार्केट की मूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं जो है इसको कैसे पता लगेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, तो कम से कम दो हाई को मैं मिलाऊंगा और दो लो को मिलाऊंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, आगे चल के मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जो है आपको नजर आ रहा होगा मैंने दो हाईस को मिला दिया, ठीक है, और इसी तरह मैं एक और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रा करता हूँ, मैंने जो है वो यहाँ पे कम से कम दो लोस को भी मिला दिया, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको यहाँ पे इन लाइन से पता चल रहा होगा, यहाँ यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है, ठीक है।
तो ये मैं जो है बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, आप छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट वाले में, 30 मिनट वाले में, किसी में भी एनालिसिस ना कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मार्केट की मूवमेंट क्या है। अब ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है इसको मैं इस तरह एंड तक खींच दूंगा, ट्रेंड लाइन खींच दी। अब जो है जब मार्केट किसी भी लाइन को, जो मेरी ट्रेंड लाइन है जो मैंने हायर हायर को मिलाया हुआ है और लोअर को मिलाया हुआ है, किसी भी तरफ से वो उसको तोड़ेगी तो वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। आपको मेरी बात समझ आई है? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी, इसी रेंज में मूव कर रही थी जो मैंने लाइंस लगाई, लेकिन अब की बार ना मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया। ठीक है, जैसे न जैसे मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया, मार्केट का आगे अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब आप लाइंस लगाते हैं, ट्रेंड लाइंस को आप यूज करते हैं, तो ट्रेंड लाइन को आप यूज करते हो, जो लाइंस आपने लगाई हैं वो एक किस्म का आपको एक इंडिकेशन भी देती है कि मार्केट किसी भी तरफ से जब इस लाइन को तोड़ेगी तो इसका मतलब वो अपनी डायरेक्शन बदल देगी। अगर वो डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में बदल जाएगी, अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में बदल जाएगी। ये तो मैंने डाउन ट्रेंड की एग्जाम्पल दे दी, यहीं पे जो है वो मैं आपको अप ट्रेंड की भी जो है वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, मैंने कम से कम दो हाइस को मिलाया, उसके बाद मैं एक और ट्रेंड लाइन को यूज करूंगा, इसमें कम से कम मैं जो है वो दो लोस को मिलाऊंगा, ये मैंने दो लोस को मिलाया। आपके सामने एक चीज नजर आई आपको कि दो लाइंस हैं, इसी के अंदर मार्केट मूव कर रही है, तो इसका मतलब मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन अचानक से जो है वो मार्केट ने जो है नीचे वाली लाइन को तोड़ा, उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, जिससे कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है, आपको जो है ना वो डेमो अकाउंट क्रिएट करवाने का मकसद भी यही था, जब आप मार्केट में ट्रेड करें तो आपको आइडिया हो कि हमने चार्ट को देखना किस तरह है, हमने ट्रेड्स किस तरह लगानी है। साथ साथ जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ये लाइंस लगा के देखना, ये सारी चीजें करना, जब आप ये सारी चीजें साथ साथ करेंगे तो आपका प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग होगा, जो भी आपका कंसेप्ट है या आपका एक्सपीरियंस है, जब ये चीज स्ट्रांग होगी तो फिर आपको इन फ्यूचर ट्रेड करने में किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें जान लें जरूरी है। अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेंड लाइंस बताई हैं और ट्रेंड्स बताए हैं, तो ट्रेंड क्या होता है, मार्केट का मूवमेंट को हम कैसे एनालाइज करते हैं, कि कैसे पता चलेगा मार्केट आफ्टर ऑल ऊपर जा रही है या कैसे पता चलेगा मार्केट आफ्टर ऑल नीचे आ रही है, क्योंकि मार्केट बंद है, आगे ग्राफ बन नहीं रहा। ये मैंने पुरानी जो चार्ट बना हुआ है उसके ऊपर एनालिसिस किया है, लेकिन आप पहले से भी जब मार्केट मूव कर रही हो और उसने कम से कम दो हाई बनाए हों और दो लो बनाए हों, आप उनको मैच करके लंबी लाइनें खींच दें, अगर मार्केट उसके अंदर मूव करती रही तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर मार्केट ने किसी लाइन को तोड़ा तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह मार्केट को देखते हैं और किस तरह जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको वर्टेक्स एपेक्स के ऊपर इस तरह ये सारे टूल्स मिल जाएंगे, साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वहां पे आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करें, अपनी मर्जी की लाइन लगाएं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आपने अक्सर जो है वो वीडियोज में या लोगों को देखा होगा कि उन्होंने चार्ट के ऊपर लाइन लगाई होती हैं। ठीक है, इन लाइंस का कलर भी आप बदल सकते हैं, लाइंस को बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा, छोटी स्क्रीन पे भी चल जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और वर्टेक्स एफेक्ट्स को मैं यूज भी इसीलिए ज्यादा करता हूँ कि यहाँ पे हमें टूल्स अच्छे मिलते हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, आपको मार्केट की मूवमेंट का आइडिया हो जाएगा कि आगे मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल जो है मैं इस ऐप को ही बंद कर रहा हूँ, मैं वापस जूम की तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी चैट आपकी जो है वो चैट ओपन करता हूँ, मुझे बताएं आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जो है वो मुझे वन बाय वन पूछ सकते हैं। चैट मैंने ओपन कर दिया, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, अभी एक मैम ने क्वेश्चन किया हुआ है, $10 से स्टार्ट कर सकते हैं, टॉपिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये पर्सनल में कर लीजिएगा मुझसे क्वेश्चन। ठीक है, आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें कि आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, ट्रेंड लाइंस और मार्केट के ट्रेंड्स, फिर हम किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैंने आपको जो है जो वर्टेक्स एफएक्स की ऐप मैंने ओपन की हुई थी, इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर प्लस का साइन होगा, प्लस के साइन के नीचे एक लाइन बनी होगी, उस लाइन को ट्रेंड लाइन कहते हैं, आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइन आपको ड्रॉ करके दे देगा, आप अपनी मर्जी की पोजीशन पे उसको लगा सकते हैं।
कितने आवर्स का टाइम फ्रेम देखना चाहिए ऑर्डर प्लेस करने से पहले? डिपेंड करते हैं आपके पास फंड कितने हैं। फंड अगर 10-20 डॉलर है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे तो फंड भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कल के वेबिनार में और अभी भी बताया कि अगर मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो एक कैंडल बनेगी वो 4 घंटे में बनेगी, तो 4 घंटे वाली जो एक कैंडल बनेगी वो आपके हक में जाएगी या नहीं जाएगी, वो फिर आपके फंड पे डिपेंड करेगा कि वो आपको आपका साथ देता है कि नहीं देता। छोटा फंड होगा और छोटे फंड पे आप 4 घंटे बैठ के वेट करेंगे और कैंडल आपके और खिलाफ चली गई फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सारा लॉस है। तो आप क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे, 1 मिनट वाले पे, 5 मिनट वाले पे, 15 मिनट वाले पे, तो उस पर आप इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। छोटा छोटा खेल सकते हैं, बड़े फंड्स वाले बड़ा बड़ा खेलें, ठीक है, वो फंड पे भी डिपेंड करता है। फिर जब आप खुद एनालिसिस करेंगे, आप मार्केट की मूवमेंट को बार बार रोज रोज देखेंगे, तो फिर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव करती है, कब इसने जो है वो मेरे हक में होना होता है, कब मेरे खिलाफ होना होता है, कब मैंने मार्केट में इन होना है, कब नहीं होना, आपको साथ साथ आइडिया होता रहता है। फिर आप जब टाइम फ्रेम डिफरेंट देखते हैं, मार्केट की कंडीशंस को देखते हैं, तो आपके लिए जो सूटेबल टाइम फ्रेम होता है आप उसको खुद ही चूज कर लेते हैं कि मेरे लिए ये वाला टाइम फ्रेम सूटेबल है, इस पर जब जब मैंने एनालिसिस किया मेरे हक में गया, जो जो मैंने प्लान किया, जैसे जैसे मैंने सोचा था मार्केट वैसे वैसे गई है, तो इसका मतलब ये टाइम फ्रेम मेरे लिए बेस्ट है, तो अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। सर ये मैं बड़ी स्क्रीन पर चार्ट कैसे खोलूं? तो बड़ी स्क्रीन के लिए आप वो स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, अगर घर में एलसीडी है तो स्क्रीन मिररिंग के थ्रू आप जो है वो चार्ट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर लैपटॉप या पीसी के ऊपर आपने इसको चलाना है, तो फिर वर्टेक्स एपेक्स जो ऐप है, ये ऐप तो नहीं चल सकेगी, इसका फिर अलग से सॉफ्टवेयर होगा, वो तो सॉफ्टवेयर आपको चलाना पड़ेगा, वो आपको समझ भी नहीं आएगा, बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिलहाल मोबाइल पे करें, डेमो पे ट्रेड करें, जब जरूरत होगी तो बड़ी स्क्रीन पे भी आ जाइएगा। सर ये आपने डाउनलोड एक बार दोबारा समझा। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा करें, मेरा सारा टॉपिक ही ट्रेंड्स के ऊपर था, मैं सारा दोबारा कैसे समझा दूँ? तो स्पेसिफिक क्वेश्चन करें कि बीच में कोई कौन सी चीज समझ नहीं आई, मैं वो ताकि डिटेल से आपको बता दूँ। मोस्टली ये है कि नेक्स्ट ट्रेंड का हमें नहीं पता। जब आप ट्रेंड लाइंस को आप ड्रॉ करते हो तो ट्रेंड लाइंस आपकी हेल्प करती हैं कि मार्केट के आपने दो हाइस को मिलाया, दो लोज को मिलाया, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, उसके अंदर मार्केट अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब आपने सही लाइंस ड्रॉ कर दी है। अगर लाइंस को वो तोड़ के बाहर के निकलती हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया है, ठीक है। वहीं से हमें आइडिया होता है कि मार्केट ने आगे कहाँ जाना है। सर हमें ट्रेडिंग अपवर्ड के वक्त करनी चाहिए या डाउनवर्ड के वक्त? प्लीज रिपीट। देखिए ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें हैं, बाय और सेल। बाय का मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होगा, नीचे आएगी तो नुकसान होगा। सेल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको नुकसान होगा, नीचे आएगी तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड में बाय के ट्रेड लगाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर अप ट्रेंड में आप सेल के ट्रेड लगाओगे तो लॉस होगा। बिल्कुल इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर आप सेल के ट्रेड लगाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, बाय के ट्रेड लगाओगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर हम दोनों ट्रेंड्स के अंदर हम अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। भाई जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो तो उस टाइम बाय करना है, भाई मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही हो तो उस टाइम हमने सेल करना होता है ताकि मार्केट नीचे जाने पे हमें फायदा हो। अभी मैंने ये चीज समझा दी आपको। बिल्कुल, ये आपने एक एक किसी उमर भाई है उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ, ये भी तो हो सकता है कि लाइंस जो है वो ट्रेंड को फॉलो ना करें, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस के लिए मैं जो है वो कल वाले वेबिनार में जो चीज आपको बताऊंगा ना, वो चीज से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह आपको पता लगेगा कि जो मैंने लाइंस लगाई है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। वो मैं जो है वो कल वाले वेबिनार में बताऊंगा, और कल वाला वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो चीज आपको समझ आ गई ना, फिर आप शेयर है मार्केट। मैंने आपको बताया कि मार्केट, फॉर एग्जांपल एक भाई ने क्वेश्चन किया, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो साथ ही डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि आप डाउन ट्रेंड है, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जा रही है, आपने हाईज को मिलाया, लोस को मिला दिया, कम से कम दो हाईज और दो लोस को मिलाना है, ठीक है। तीन को मिलाएंगे ज्यादा स्ट्रांग होगा, चार को मिलाएंगे और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। आपने लाइंस लगा दी, लाइंस लगाने के बाद अगर मार्केट नीचे वाली लाइन जो आपने बनाई है उसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी, उसको तोड़ देगी बिल्कुल, उसके अंदर अंदर मूव नहीं करेगी, उसको तोड़ देगी, तोड़ के नीचे की तरफ की आएगी, तो इसका मतलब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है, वो आप ट्रेंड से जाते जाते अब डाउन ट्रेंड की तरफ आना शुरू हो गई, ठीक है। बाकी ये है कि ट्रेंड लाइन कैसे मैंने ड्रॉ की है, ये तो इजी है, आप जब वर्टेक्स एपेक्स ऐप के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रेंड लाइन सामने ऑप्शन मिल जाएगा, आप खुद लगा सकेंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने चीजें बताई हैं, हाइज और लोस की पहचान कैसे करनी है, वो सारी चीजें आप रिकॉर्डिंग में ही सुन लीजिएगा तो आपको जो है वो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि आज के वेबिनार को फिर एंड करते हैं, तो अगर चैट में आप बताना चाहें आज का वेबिनार कैसा रहा है तो वेल एंड गुड, पर्सनल में मुझे बताएंगे तो वो भी आपकी मर्जी है।